हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्मृति चित्रण में एक लैंप का चित्रण करेंगे और छाया प्रकाश दिखाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें अपना लैंप 15 सेंटीमीटर का बनाना है, तो हमने एक 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। ये लैंप तैयार होके हमारा लगभग 16 सेंटीमीटर का बनेगा और इसके आधी दूरी पे 7.5 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचेंगे हम, जिसकी दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे। 5 सेंटीमीटर इस साइड और 5 सेंटीमीटर इस साइड। यहां पर 5 सेंटीमीटर हमने रखा है, तो हम यहां पर 6 सेंटीमीटर रख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर इस साइड और 3 सेंटीमीटर इस साइड। अभी हम 3-3 सेंटीमीटर कर रहे हैं। अगर हमें इसका अनुपात ठीक नहीं लगेगा तो हम अपनी दूरी को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इतना बना लिया और एक रफ लाइन हम 1 सेंटीमीटर ऊपर करीब एक ऐसे ही लाइन बना लेंगे। ठीक है, इतना बनाने के बाद सबसे पहले हम इसका शेड बनाएंगे। शेड बनाने के लिए इन रेखाओं को मिला देंगे। जो हमने ये लाइन बनाई है ऊपर, इसमें हम गोलाई बना लेते हैं। जितनी दूरी इधर उतनी ही दूरी इधर। अब हमारी ये बीच वाली जो रेखा है, इसके इधर और इधर की दूरी बराबर लेंगे और निशान लगा लेंगे। ऐसे ही ये सेंटर वाली जो रेखा है, इसके इधर और इधर बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे। इस लाइन को हम 3 भागों में बांट लेंगे। तो ये लाइन हमारी 6 सेंटीमीटर की है, तो हम 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह से ये लाइन हमारी 10 सेंटीमीटर की है, तो इसे भी हम 3 भागों में बांटेंगे। अब 3 भागों में बांटने का मतलब ये है कि 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब इन रेखाओं को बहुत हल्के हाथ से मिला दें। इस लाइन को ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे ही ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा, एक निशान और लगाएंगे और यहां से मिलाएंगे। अब ये बीच वाली लाइन हम मिटा देंगे। अब इसमें नीचे भी हम आकार दे लेंगे और इसको गोल करते समय थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे। इसके बाद हम स्टैंड बना लेंगे। स्टैंड में आप अपने हिसाब से भी डिजाइन बना सकते हैं या हम जैसा बना रहे हैं वैसा भी बना सकते हैं।
इसके बाद नीचे की चौकी बनाएंगे जिसपे हमारा ये स्टैंड लगा हुआ है। तो चौकी में भी ऑप्शन है कि आप चौकोर बना सकते हैं या गोल भी बना सकते हैं। इसके लिए हम फिर से देखेंगे कि हमारी जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर होनी चाहिए। 3.5 इंच की दूरी अगर इधर या 4 इंच की रखें, 4 इंच की दूरी इधर है तो 4 इंच की दूरी भी इधर भी होनी चाहिए। इसके पाए बना देंगे, एक इधर सेंटर में बना लेते हैं और 2 किनारे। अब अपनी सारी अनावश्यक रेखाओं को मिटा देंगे। इसमें एक स्विच बना देते हैं। और एक तार निकाल देते हैं। लैंप बन गया है। अब हमें इसमें छाया और प्रकाश दिखाना है, तो एक साइड से डार्क दिखाएंगे और एक साइड से लाइट दिखाएंगे। और इसके लिए हम 6B पेंसिल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शेडिंग करना शुरू करते हैं। इस साइड से डार्क दिखाया है और इधर से लाइट। ईयरबड से हम अपने शेड को बराबर भी करते जाएंगे। Thank you.
शेडिंग हो गई है। अब हम अपनी लाइन को एक बार डार्क कर लेंगे जिससे हमारा ये चित्र सुंदर लगेगा। अगर हमें कहीं अपने शेड को डार्क करना है तो अंत में उसे भी कर लेंगे। हमारा बिजली का लैंप बनके तैयार है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।